शनि शिंगणापुर मंदिर और हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मुहिम छेड़ने वाली सोशल वर्कर तृप्ति देसाई अब एक अलग वजह से चर्चा में है। दरअसल तृप्ति देसाई अब लाठी लेकर मॉरल पुलिसिंग पर निकल पड़ी हैं। इसके लिए उन्होंने महिलाओं का एक ऐसा दल बनाया जो मुंबई और पुणे की सड़कों पर ताईगिरी करेगा। मराठी भाषा में ताई का मतलब बड़ी बहन होता है। ये महिलाओं का दल सड़कों पर लाठी लेकर घूमेगा और महिला उत्पीड़न और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाएगा। हालांकि कानून को अपने हाथ में नहीं लेने के लिए पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी दी है। तृप्ति देसाई महिलाओं के पूजा स्थलों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाकर सुर्खियों में आई थी। हाल ही में उन्होंने द एंग्री गॉडेस नाम से यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जिसमें दिखाया गया है कि महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए लाठी लेकर सड़कों पर निकल जाती हैं। तृप्ति देसाई का कहना है कि इसके जरिए वो समाज और पुलिस की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका दल दोपहिया वाहनों पर लाठी लेकर गश्त करेगा और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी करने या उत्पीड़न करने वालों को सबक सिखाएगा। ऐसे 7 गश्ती दल बनाए गए हैं जो अगले हफ्ते से पुणे की सड़कों पर गश्त लगाना शुरू कर देंगे। कानून हाथ में लेने के सवाल पर देसाई ने कहा, ऐसे कदम उठाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि अब तो पुलिस वालों पर भी हमले होने आम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और ताईगिरी, भाईगिरी या दादागिरी की तरह नकारात्मक विचार नहीं है। वहीं पुलिस ने ऐसी कोई भी हरकत न करने के लिए तृप्ति को कड़ी चेतावनी दी है।